हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं प्रेगनेंसी में उल्टी कब शुरू होती है, यानी कि जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं कब वोमिटिंग का होना शुरू होता है। मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम, जो जैसे कि वीडियोज मूवीज में दिखाते हैं या सीरियल्स में दिखाते हैं कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो गए और वोमिटिंग होना शुरू हो गई, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगी कब आपको वोमिटिंग होनी शुरू होती है, कब आपका, देखिए सबसे पहली बात जो है कि प्रेगनेंसी का जो वोमिटिंग का होना यानी कि उल्टी आना, मतली होना, ये प्रेगनेंसी का लक्षण माना जाता है। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये होता कब है, शुरू कब होता है। देखिए जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो सबसे पहले आपका इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला ये भी है कि वोमिटिंग होना, नोसिया होना, जी मचलाना, और इसके अलावा चक्कर आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस बहुत ज्यादा बनना, तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी आपको वोमिटिंग कब स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको जो मैंने बताया है काफी सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसमें आपके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में काफी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक है वोमिटिंग का होना, नोसिया होना, और जिसको बोलते हैं मतली आना और उल्टी होना। तो ये कब शुरू होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के 5वें वीक से लेकर 13वें वीक तक वोमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। 5वें वीक से आपको वोमिटिंग का होना या ज्यादातर चक्कर आना, इसके अलावा जैसे आपको बार बार ऐसा फील होता है जैसे उल्टी आ रही है, वोमिटिंग होने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको 5वें वीक से शुरू हो जाती हैं, जो कि 13वें वीक के बाद आपको थोड़ा फिर कम होने लगती हैं। तो ये जो शुरू होती है आपको 5वें वीक से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जिनको बिल्कुल भी नहीं होता है, आप मतलब 5वें वीक के बाद उनको वोमिटिंग होना शुरू होती है। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जिनको वोमिटिंग जैसा फील ही नहीं होता है, तो 80% लेडीज जो होती है उनको 5वें वीक से वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है, और जो कि 13वें वीक के बाद अपने आप ही कम होने लगता है। दूसरी चीज, वोमिटिंग जब अगर आपको ज्यादा हो, अगर आप ज्यादा परेशान हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आपको ORS का आप ले सकती हैं, दूसरा आपको कोकोनट वाटर लेना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर जो पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, वो आपके अंदर ना हो, तो ये बहुत ज्यादा है। अगर आपको फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा उल्टी होती क्यों है, वोमिटिंग होती क्यों है, देखिए जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं आपके अंदर काफी सारे हार्मोन्स जो मैंने बताया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।